आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन पाइल फाउंडेशन। एक पाइल फाउंडेशन में हम लोग कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। सीमेंट्स और एग्रीगेट का क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे पाइल फाउंडेशन में, आज इस वीडियो में पूरी तरह सबको पता चल जाएगा कि क्या एक पाइल फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन का ये यूज क्यों किया जाता है और किस तरह तरह का पाइल फाउंडेशन होता है, अब इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि पाइल फाउंडेशन क्या है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ऐसे हम लोग मेनली दो तरह का ही फाउंडेशन पढ़ा है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जिसका विड्थ लंबाई से लेंथ से ज़्यादा होता है विड्थ, उसको शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। जिसका लेंथ ज़्यादा होता है विड्थ से, जिसका लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग डीप फाउंडेशन में बोलते हैं। तो ये डीप फाउंडेशन में ही इंक्लूड होता है पाइल फाउंडेशन। तो आप देख सकते हैं फिगर में, मैं एक फिगर दिखा दिया है पाइल फाउंडेशन का, जिसका लेंथ ज़्यादा है विड्थ से। तो आपको पता चल गया होगा कि डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पाइल कितने तरह के होते हैं। पाइल बहुत तरह के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पाइल आप देख सकते हैं इसमें। पॉइंट बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, टेंशन पाइल, लेटरली लोडेड पाइल, अंडर रिम पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल, तो बहुत तरह का पाइल है। तो हम लोग इस ये सब पाइल सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, किस टाइप का सिचुएशन है, सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी कैसा है, उस पर डिपेंड होता है किस टाइप का हम लोग पाइल का यूज करें। हाँ, लेकिन पाइल हम लोग देते क्यों हैं, पाइल देने का मकसद क्या है। तो पाइल देने का मकसद क्या है, देखिए जहाँ पे वाटर टेबल हाई होता है उस जगह पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ का सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी, बियर करने का कैपेसिटी बहुत कम होता है। यदि शैलो फाउंडेशन देंगे तो हमारा वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वहाँ जल्दी गिरने का संभावना है। लेकिन जब पाइल फाउंडेशन देंगे तो हमारा जो हेवी लोड का स्ट्रक्चर है, लोड का स्ट्रक्चर आसानी से डिस्ट्रीब्यूट, लोड को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट अर्थ में कर सकता है, इसलिए हम लोग पाइल फाउंडेशन देते हैं। तो वाटर टेबल जहाँ पे हाई होता है और जहाँ पे आपका हेवी लोड हो, हेवी स्ट्रक्चर दिया हो, बन रहा है, जैसे ब्रिज बनते हुए देखते होंगे आप, वहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन देते हैं, क्योंकि हेवीस्ट लोड होता है। हेवी लोड को आसानी से पृथ्वी में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसीलिए हम लोग पाइल फाउंडेशन के यूज करते हैं। जहाँ पे हेवी लोड हो, हेवी लोड होने का संभावना है इन फ्यूचर या प्रेजेंट, जैसे ब्रिज में, ब्रिज का जब काम चलता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें हेवी लोड होता है, इसलिए हम लोग पाइल फाउंडेशन के यूज करते हैं। तो अब लोग इस वीडियो से पता चल गया कि पाइल फाउंडेशन हम लोग क्यों देते हैं, कहाँ पर हम लोग को पाइल फाउंडेशन देना चाहिए, कहाँ पर शैलो फाउंडेशन देना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं पाइल फाउंडेशन में, सीमेंट एग्रीगेट का क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे पाइल फाउंडेशन में, एंड उसके साथ साथ जानेंगे कि वाटर का क्वांटिटी भी निकालेंगे, वाटर कितना लीटर लगेगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं इस फिगर में कि इस तरह का ही पाइलिंग होता है, जैसे कि इसका डाया आप देख रहे हैं, इसका डाया मान लीजिए कि 300 mm का होगा, तो 300 mm का और इसका लेंथ जो है मान लीजिए कि 10 meters, 10 मीटर का लेंथ है और इसका डाया जो है 300 mm का है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखने में कैसा लग रहा है आपको, सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, तो जब सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं तो कंक्रीट इसी में जाएगा, तो कंक्रीट का वॉल्यूम कैसा हो, कंक्रीट का शेप कैसा दिखने में लगेगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, तो कंक्रीट का वॉल्यूम। तो देखिए हम कंसीडर करके चला है, मान लीजिए कि डायमीटर ऑफ पाइल
पाइल का डायमीटर 300 mm और उसका जो फाउंडेशन होगा डेप्थ होगा 10 मीटर तक हम लोग करेंगे, जो हम फिगर में अभी दिखाया। तो भोलोमो कंक्रीट क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच। तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच, तो हम लोग पाई बाई कैसे निकालेंगे, भोलोमो कंक्रीट जैसे सिलेंडर था कंक्रीट बन जाएगा, सिलेंडर कंक्रीट आपको शेप कैसा दिखाएगा, सिलेंडर की तरह। तो सिलेंडर जब ऊंचा दिखाएगा तो कंक्रीट का भोलोमो हम लोग सिलेंडर का ही लेकर चलेंगे। तो पाई बाई फोर इंटू डी, डी कितना था 0.3 × 0.3 × 10 मीटर, 300 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिया जिसलिए 0.3 हो गया। और जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो 0.706 क्यूबिक मीटर आएगा। अब हम लोग इसको देखिए, वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम निकाला। जब वेट वॉल्यूम को हम लोग ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.54 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, आपको हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है क्यों करते हैं, आप उस वीडियो से देख सकते हैं कि क्यों करते हैं 1.54 से मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम में ड्राई वॉल्यूम में लाने के लिए। ऐसे में थोड़ा सा बतला देता है, जिस तरह से सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी होता है उसी तरह से सैंड का भी होता है, सीमेंट का भी होता है, एग्रीगेट का भी होता है। तो सैंड का कंप्रेसिबिलिटी हम लोग 34% लेकर चलते हैं और एग्रीगेट का कंप्रेसिबिलिटी हम लोग 20% लेकर चलते हैं, सीमेंट का कंप्रेसिबिलिटी 0 होता है। जब तीनों का ऐड कीजिएगा तो आपको 54 आएगा, तो 54% आया, तो 54% इंक्रीज हुआ। तो 100+54% इज इक्वल टू 154। तो परसेंटेज में लाएगा तो 1.54 से इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस वीडियो में हम जो अपलोड किया है प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैं अच्छी तरह से बतलाया है क्यों करते हैं। तो आप वीडियो देखिए तो आपको पता चल गया कि 1.54 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ड्राई वॉल्यूम में लाने के लिए। तो मैं 1.54 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपका वैल्यू आएगा 1.0088 क्यूबिक मीटर। ये आपका ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम का ही है सब रोल होगा। अब मान लीजिए, मैं मान लीजिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 लेकर चला, आप M35 भी ले सकते हैं, मैंने मिक्स डिजाइन है तो M25 मान लीजिए, कहीं कहीं अब M25 भी लेता है, M35 भी लेकर चलते हैं, M25 भी ले सकते हैं। तो M25 में लेकर चला, इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो होता है 1:1:2, जिसका सीमेंट 1 है, सीमेंट 1, सैंड 1, एग्रीगेट 1, ऐसे हम लोग इसका रेट करते हैं रेशियो का। तो सम ऑफ रेशियो 1+1+2 हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। चलिए हम लोग सीमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नंबर ऑफ बैग्स में ही। हम लोग यहाँ पे केजी नहीं निकाला, डायरेक्ट हम लोग नंबर ऑफ बैग्स निकाल रहा है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड अपॉन 50 kg। तो ड्राई वॉल्यूम हम लोग निकाला 1.088 क्यूबिक मीटर इंटू रेशियो ऑफ सैंड, रेशियो ऑफ सीमेंट, सीमेंट का रेशियो हम लोग 1 है, देखिए 1 दिया हुआ ना, 1 यहाँ रेशियो देखिए 1 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो 1 दिया हुआ सीमेंट का। सम ऑफ रेशियो आपका 4 है और डेंसिटी ऑफ सैंड है 1440 kg/m³ और अपॉन 50 kg। जब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए केजी से केजी कट गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, आपको बैग में आएगा। तो जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 7.833 आएगा। राउंड अप हम लोग करके लेकर चलते हैं तो 8 bags, आपका 8 bags का यहाँ यूज होगा। चलिए हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैंड के लिए। सैंड के लिए हम लोग क्यूबिक फीट में इसलिए निकाल रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि केजी में नहीं निकाला, क्योंकि इसलिए नहीं केजी में निकाला क्योंकि हम लोग अधिकतर साइड पे क्यूबिक फीट में पूछ निकाला जाता है, निकाल के बताया जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्यूबिक फीट में देख रहा है। तो क्यूबिक फीट में ही ज़्यादा आता है, जैसे किसी ट्रैक्टर से आप सैंड मंगवा रहे हैं तो क्यूबिक फीट में ही आता है। तो ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 35.31। तो ड्राई वॉल्यूम आपका हो गया 1.088 इंटू रेशियो ऑफ सैंड, आप देख रहे हैं 1 होता, 1:1:2 होता, तो 1 सीमेंट, 1 सैंड, 2 एग्रीगेट। सम ऑफ रेशियो 4 हो गया, 35.31 से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, आप क्यूबिक मीटर जब उस टाइम प्रीवियस वीडियो में देखा होंगे, क्यूबिक मीटर में जब निकालता था तो क्यूबिक मीटर को जब क्यूबिक फीट में लाने के लिए हम लोग 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका कन्वर्ट कीजिएगा क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में तो 35.31 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपका आएगा 9.6 क्यूबिक फीट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 एग्रीगेट के लिए। तो एग्रीगेट के लिए भी सेम फॉर्मूला है,
क्यूए फिट में लाने के लिए। तो ड्राइव वॉल्यूम आपका कितना 1.088 इंटू रेशियो पे एग्रीगेट कितना था 1:1:2, तो 2 हमारा हो गया रेशियो। सम ऑफ रेशियो 4:35.31 से मल्टीप्लाई किया। जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको आएगा 19.20 क्यूबिक फीट। तो आप बोल सकते हैं कि 19.20 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट लगेगा। तो आप बोल सकते हैं कि कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा। तो आप इस तरह से सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना आप सीख गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग कितना इस जो कंक्रीट का वॉल्यूम है, इस कंक्रीट का वॉल्यूम में कितना वाटर लगेगा। तो वाटर जब हम लोग निकालते हैं, देखिए लीटर में वाटर को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, वाटर कंटेंट रेशियो इनटू नंबर ऑफ बैग्स इनटू वेट ऑफ वन बैग। वाटर कंटेंट रेशियो क्या है? वाटर कंटेंट रेशियो आपको थोड़ा नया लग रहा होगा ये वर्ड सुनकर। तो वाटर कंटेंट रेशियो अब जब कहीं साइट पे काम कराइएगा तो आपको एक डिजाइन मिक्स मिलता है। तो डिजाइन मिक्स में आपको लिखा रहता है कि वाटर कंटेंट रेशियो कितना लेना है। तो ये लिखा रहता, तो हम जब जहाँ काम करवा रहा था तो उसमें लिखा हुआ था 0.45 वाटर कंटेंट रेशियो लेना था 0.45। तो इसलिए मैं 0.45 लिया है। नंबर ऑफ बैग्स कितना था? 8 अभी मैं फाइंड आउट किया। वेट ऑफ एक बैग, एक बैग में वेट कितना रहता है? 50 kg। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 liters आएगा। तो वाटर कंटेंट रेशियो में आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। वाटर कंटेंट रेशियो का मैं एक सैंपल दिखा देता है किस तरह का आपको डिजाइन मिक्स मिलता होगा, मिलेगा कहीं कभी भी साइट पर जाइएगा। तो देखिए आप इस फिगर में देख सकते हैं किस तरह से आपको मिलेगा। जैसे कि हमारा था ग्रेड डिजाइनेशन M35 था, टाइप ऑफ सीमेंट OPC 43 था, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट का था 20 mm और मिनिमम सीमेंट कंटेंट था 320 kg। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 है ना, 0.45। यहाँ इसी तरह से आपको भी मिलेगा, देखिएगा। वर्कबिलिटी आपको 100 से 150 lump है, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों से आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब किया। हाँ, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। मैं एक रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया कि सीमेंट कितना लगा था? 8 bags। सैंड कितना हम लोग का भी लगा? 9.6 क्यूबिक फीट। एग्रीगेट कितना लगा? 19.20 क्यूबिक फीट। वाटर लगा 180 liters। एक पाइल कॉन्क्रीटिंग करने में यदि सर इसी तरह से 16 पाइल रहेगा तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीमेंट से, तो इतना बैग आपका सीमेंट लगेगा, सीमेंट सैंड लगेगा। तो आप एक पाइल का कॉन्क्रीटिंग करना निकालना सीख गए हैं तो आप किसी कितना भी पाइलिंग हो आप मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपका वीडियो मैं जो भी अपलोड करेगा आपको मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।